वेलकम बैक जनाब। और अभी भी मैं आपकी मुलाकात करवाने एक आर्टिस्ट से, और वो आर्टिस्ट हैं उतनी ज़बरदस्त किस्म के आर्टिस्ट हैं, पेंटर हैं, और हमारे सामने आप उनकी इतनी सारी पेंटिंग्स और इतनी ज़बरदस्त पेंटिंग्स मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कायनात आतिफ। कायनात, वेलकम टू द शो, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। कायनात, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे हर एक का, वो जो होता है ना पेट क्वेश्चन, पेंटिंग का शौक कैसे हुआ? पेंटिंग का शौक जिस तरह से बच्चों को खिलौने और उन चीज़ों का शौक होता है, उस तरह से मुझे हमेशा से आर्ट्स और कलर्स और कलरिंग बुक्स और इन चीज़ों का शौक था। हाँ, स्कूल से। और फिर उसके बाद वीक में एक आर्ट्स क्लास होती थी जो कि सबसे फेवरेट होती थी, तो उसके बाद फिर ए लेवल्स में एज अ सब्जेक्ट आर्ट्स रखा, और फिर एन सी में अप्लाई किया, तो बस इसी तरह। ज़बरदस्त, तो एन सी ने तो आपके वैसे स्किल को और भी पॉलिश कर दिया होगा। हाँ, क्योंकि आप काम कर रहे होते हो लेकिन आपको उसके बिहाइंड जो आइडिया होता है उसका इतना नहीं पता होता कि आप गाइडेंस भी चाहिए होती है। हाँ, तो वो काफ़ी ऑब्वियसली स्किल्ड टीचर्स होते हैं, तो वो आपकी थॉट प्रोसेस और सब में काफ़ी आपकी हेल्प करते हैं कि जो आप कर रहे हो आपको पता हो कि आप क्यों कर रहे हो। सही। अच्छा, तो कायनात, आपका बेसिकली पूछे क्या है, किस तरह की पेंटिंग्स आप बनाती हो, जो एक सिग्नेचर स्टाइल होता है? मुझे लगता है अभी क्योंकि मैं ग्रेजुएट नहीं हुई, तो एज सच मुझे लगता है कि मेरा कोई स्टाइल नहीं है, जो कि सबका होता है, क्योंकि जो आप जिस तरह आपके बात करने का तरीका होता है वैसे अगर आप पेंट करते हो तो आपका वो भी एक तरीका होगा, इट्स अ वे ऑफ कम्युनिकेशन। तो आई थिंक मैं ज़्यादा अपनी रिलेटेड मेमोरी रिलेटेड चीज़ें ज़्यादा करती हूँ, जो मेरे चाइल्डहुड से ज़्यादा रिलेटेड चीज़ें होती हैं, या फोटोग्राफ से, या उन चीज़ों से मुझे लगता है मेरा काम आगे जाता है। अच्छा, ये मेरी साइड पर जो पेंटिंग है और जो कैमरे में नज़र आई, इसके पीछे क्या आइडिया? ये एक्चुअली एक बहुत पुराना ब्लैक एंड वाइट जब पिक्चर्स होती थी उस टाइम का एक नेगेटिव है। अच्छा। और ये मैंने फैमिली फ़ोटोग्राफ्स में से ढूंढा था, और इस नेगेटिव को बनाने के बाद, उसके बाद क्योंकि मैं उस टाइम पे नहीं थी तो कलर मैं ऐसे सच ऐड नहीं कर सकती थी, तो देर इज़ अ ब्लास्ट ऑफ कलर टू इट जो ऊपर मैंने ऐड किया, डिफरेंट मीडियम्स हैं, ऑयल ऑन कैनवस है, तो That's what it is. Oh, lovely. अच्छा, तो कायनात, अभी आप चूँकि ग्रेजुएट नहीं किया आपने, लेकिन अभी आपका थीसिस डिस्प्ले भी होगा डेफिनेटली। हाँ जी, दिसंबर में। दिसंबर में, तो किस तरह की चीज़ें, किस तरह की प्लानिंग, क्योंकि थीसिस के लिए इंसान ने बहुत कुछ सोचा होता है, खास जब आप स्टार्ट करते हैं तभी आपके माइंड में थीसिस चल रहा है। मुझे लगता है जब आप फर्स्ट ईयर में होते हो आप तभी थीसिस के बारे में आपको लगता है कि बहुत बड़ी चीज़ होगी, आप बहुत टेंशन में हो गए और बहुत कोई बहुत काम निकलेगा ये वो, लेकिन जब आप थीसिस में होते हो तो आपको फील होता है कि इट्स एक्चुअली लाइक ऑल दी अदर असाइनमेंट्स जो आपने किए हैं उन्हीं की तरह का है, लेकिन ये है कि ऑब्वियसली वो थीसिस डिस्प्ले होता है, ओपन फॉर पब्लिक होता है, तो सब आके देखते हैं, तो आपको उस काम पर जज किया जाता है, तो इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि उसके बाद आपका करियर उस पर आगे जो शुरू होता है, दैट्स ऑन दैट, तो दैट्स व्हाई। अच्छा, आप थीसिस के हवाले से हम बात कर रहे हैं, लेकिन हर आर्टिस्ट को एक कोई ना कोई फेस आया होता है, जैसे भी आपसे पहले जो गेस्टिंग गई थी, मुझे बुक रीडिंग के लिए एक फेस आया होता है, एक प्रॉपर इन्वायरमेंट चाहिए होता है, आपके लिए क्या इंस्पिरेशन होती है, किस तरह के जो आप कह लें कि इन्वायरमेंट में आपको लगता है कि आपकी क्रिएटिविटी ज़्यादा सामने आती है? एक स्टूडियो इन्वायरमेंट होती है। हाँ। जो कि कॉलेज में स्टूडियो इन्वायरमेंट होती है, सब काम कर रहे होते हैं वहाँ पे, तो फेलो आर्टिस्ट होते हैं, तो आपको ये होता है कि अच्छा आप किसी न किसी से कुछ ना कुछ इंस्पायर हो रहे होते हैं। आई फील सिर्फ आर्टिस्ट ही नहीं, आप और भी काफ़ी लोगों से इंस्पायर हो सकते हो, छोटी छोटी चीज़ें हर किसी से उठा सकते हो। आपके ऑब्जर्वेशन अच्छे हैं। हाँ जी, कोई आर्टिस्ट अगर आपको अच्छा लगता है तो आप उसका काम देख सकते हैं, आप पता करिए कि वो आर्टिस्ट किस आर्टिस्ट से इंस्पायर था, सिर्फ काम देख के आप नहीं बता सकते कि उसका थॉट प्रोसेस क्या था और फिर वो किससे इंस्पायर है, तो ये पूरी एक चेन है, तो अगर आप वो सब फॉलो करें तो आई थिंक देयर इज एवरीवेयर, हर जगह कुछ ना कुछ है आपके इंस्पायर होने के लिए। यू डोंट नीड अ बुक और अ पर्सन, और इवन अगर आप बुक्स नहीं पढ़ते आप मूवीज देखते हैं, तो वो सारी चीज़ें आई फील आपके काम को बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती हैं। अच्छा, कायनात, समटाइम्स आपका यही एक होता है, जैसे फेलो आर्टिस्ट की बात करें, हम ऑब्वियसली पेंटर्स और जब आपको इंस्टीट्यूट में पढ़े होते हैं जो कि आर्ट का है, तो वहाँ पे कंपटीशन और फिर एक आइडियाज़ का एक डिफरेंट चल रहा होता है सेटअप सारा, उसमें अपने आप को स्टैंड आउट करना कितना डिफरेंट होता है? आई फील आप ये मत सोचें कि आपको स्टैंड आउट करना है। हाँ। लेकिन आप ये सोचें कि जो अगर हर काम करने का एक ईजी वे आउट होता है और एक थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जैसे कहते हैं, लेकिन वो आप रियली चाह रहे होते हैं करना। हाँ, हाँ। तो इजी वे आउट मत ढूंढें हर चीज़ का, अगर आपका कोई आइडिया है तो सोचें कि आप किस तरह से उसको सबसे बेहतर तरीके से कह सकते हैं। मुझे लगता है सबसे स्टैंडर्ड चीज़ वो करती है जिससे लोग ज्यादा कनेक्ट कर सकते हैं, जो कि ज्यादा ऑथेंटिक होती है, ज्यादा और जो आपको देखकर फन समझ भी आए और कनेक्ट भी करे। एग्जैक्टली। तो आई थिंक अगर आप ऑनेस्ट हैं अपने काम के साथ और आप बिल्कुल लाइक उसको ईजी वे आउट ढूंढ के नहीं बल्कि लाइक मेहनत करके कर रहे हैं, तो इट विल स्टैंड आउट नो मैटर व्हाट। अच्छा, ये पेंटिंग जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसके पीछे क्या आएगा?
ये जब मैंने करना शुरू किया था उस वक्त मैं रियलिज्म और उस चीज़ के साथ बहुत ज़्यादा इंस्पायर थी. तो ये वाली पेंटिंग इज़ एक्चुअली अ रिफ्लेक्शन. तो इट्स बनाने में बहुत टाइम लगा था क्योंकि इट टेक्स छोटे ब्रश के साथ आप लगे हुए होते हैं एंड यू आर ट्राइंग टू इमिटेट द रियलिटी के जो रियलिटी में है वो मैं कैसे पेंटिंग में वो उस तरह से दिखा सकती हूँ. तो ये तब के टाइम की है. तो इट इज़ बेसिकली अबाउट दैट. अच्छा, कितना टाइम लगता है एक पेंटिंग की कंप्लीट करने में? ये डिपेंड करता है कि आपकी नीयत कितनी साफ है और कितना टाइम आप लगा सकते हैं, कितना टाइम आप लगा रहे हैं और आप कितनी ईमानदारी से लगा रहे हैं. क्योंकि अगर आप एक दिन में थोड़ा सा काम करेंगे तो फिर तो आप उसको जितना मर्जी स्ट्रेच कर लें, लेकिन अगर आप काम करते जा रहे हैं, डिपेंड करता है कि आप बना भी क्या रहे हैं. तो हमारे यूजुअली जो असाइनमेंट्स होते हैं वो 2 हफ्ते के होते हैं या वो होते हैं, बट इट डिपेंड्स कि अगर आप खुद पेंटिंग बना रहे हैं तो आप उसको कितना टाइम दे रहे हैं. समटाइम्स आप एक दिन एक मूड में होते हैं कि अच्छा आज मैंने सारा करना है या मैंने ये जितना सोचा है ये तो मैंने आज करना है, और किसी दिन आप बिल्कुल भी डाउन होते हैं कि अच्छा नहीं. एग्जैक्टली, हाँ, जिस तरह कहते हैं ना कि आर्टिस्ट के मूड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन हमारे टीचर्स ने और काफ़ी मैंने पढ़ा भी और उस साइज से मुझे ये रियलाइज़ हुआ है कि मूड इंपॉर्टेंट होता है लेकिन एट द एंड ऑफ द डे काम ज़्यादा होता है. इवन इफ यू, अगर आपका दिल नहीं कर रहा ना काम करने के लिए, काम करें. काम, वो जो लोग कहते हैं ना आर्ट का स्कोप नहीं है, एक्चुअली आर्ट का नहीं, काम का स्कोप है हर जगह. आप जहाँ भी काम करेंगे काम का स्कोप. अच्छा, ये जो आर्ट का स्कोप नहीं वाली बात है, ये चले हम तो सुनते रहते हैं बहुत सारे, आप लोग तो बिल्कुल ही सुनते होंगे, घर वालों से कभी सुनने को मिला? मुझे घर वालों से शुक्र है कभी सुनने को ये नहीं मिला, वो हमेशा बहुत सपोर्टिव थे मुझे. कभी कामों में पड़ गई हो? हाँ, ये है कि जब मैं कर रही होती हूँ तो उन्हें लगता है कि इतनी मेहनत कर रही हो, ये वो फलाना इस तरह से, लेकिन ये मेरे ऊपर कभी भी आर्टिस्ट या मतलब डॉक्टर या इंजीनियर बनने का कभी भी कोई प्रेशर नहीं था. वो हमेशा बहुत सपोर्टिव थे थ्रू आउट. तो उन्होंने कभी नहीं बोला, मतलब फैमिली में और लोग शायद बोले, बट उन्होंने काम में पड़ गई हो ये, हाँ, कि मतलब इस इतनी मेहनत करनी है तो किसी और फील्ड में कर लो, इसमें डॉक्टर बन जाती या कुछ और कर लेती. लेकिन ये है कि घर वालों ने कभी भी, अम्मी बाबा ने कभी भी कुछ इस तरह से नहीं बोला. उन्होंने कहा जो घर वाले शुरू होते हैं सबसे पहले कि हाँ भाई क्या क्या करना है. वही लगती, और घर वालों का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बगैर आप नहीं कर सकते कोई भी काम. आपको घर वालों की नहीं कर सकते वो बहुत मुश्किल हो जाता है उसके बगैर करना, मतलब आपका 10 times और मुश्किल हो जाएगा अगर आपकी आपके पास सपोर्ट नहीं है घर वालों की, चाहे वो मॉरल सपोर्ट हो या जिस तरह की भी हो. आई एम लकी आई हैव दैट. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. थैंक यू फॉर हैविंग मी. विश यू अ वेरी बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू. थैंक यू जी जनाब, हमने आपकी मुलाकात कायनात से करवाई. और ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो हमारे पास मौजूद होते हैं, आते रहते हैं, लेकिन ऑब्वियसली आर्ट का बहुत ज़्यादा स्कोप है. जो लोग सोचते हैं कि आर्ट का बिल्कुल स्कोप नहीं, आप बिल्कुल गलत सोचते हैं. बहुत सारे काम हैं जो आप डॉक्टर इंजीनियर के अलावा भी अपने बच्चों को करा सकते हैं. तो डेफिनेटली आज ये इतनी ज़बरदस्ती पेंटर है हमारे पास और भी बेतहाशा टैलेंट, और हम तो आपकी मुलाकात करवाते रहते हैं. अभी हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे और हमारे पास एक और म्यूज़िक और मूड थेरेपी भी है, उसके हवाले से भी गेस्ट हैं. लेकिन एक ब्रेक के बाद मिलवाएंगे, देखते रहिए जागो लाहौर.